हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल और इनको हिंदी में। क्रिकेट जगत में ऐसे कम ही खिलाड़ी हैं जिनकी पत्नियां भी खिलाड़ी रह चुकी हैं। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पत्नी भी क्रिकेट खिलाड़ी है। जिस खिलाड़ी की हम बात कर रहे हैं उस खिलाड़ी का नाम केदार जाधव है। केदार जाधव का प्रदर्शन विश्व कप 2019 में बतौर बल्लेबाज कुछ खास नहीं रहा। हरफन मोला खिलाड़ी केदार जाधव ने 68 वनडे मैचों में 43 के एवरेज से 1298 रन बनाए और 9 T20 मैचों में 20 की एवरेज से 122 रन बनाए हैं। केदार जाधव ने भारत महिला क्रिकेटर स्नेहल से विवाह किया है। केदार जाधव की पत्नी स्नेहल का जन्म 17 अक्टूबर 1998 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। केदार की पत्नी स्नेहल भी अपनी क्रिकेट जगत की बेहतरीन खिलाड़ी है। स्नेहल दाएं हाथ की खिलाड़ी है। स्नेहल ने वेस्ट जोन और महाराष्ट्र की ओर से क्रिकेट खेला है। केदार जाधव की धर्मपत्नी ने 37 लिस्टे मैच में एक फर्स्ट क्लास और 30 T20 मैचों में हिस्सा लिया है। स्नेहल स्कूल के समय से ही क्रिकेट को समर्पित हैं। उन्होंने बहुत से क्रिकेट मैच खेले हैं। हालांकि स्नेहल ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अपनी जगह नहीं बना पाई। स्नेहल ने केदार को क्रिकेट के लिए भी बहुत सपोर्ट किया है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। साथ ही अगर आपके इस वीडियो के बारे में कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल और इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।